तो आज हम बात करने वाले हैं कि जीपीयू क्या है, क्या उसकी परफॉर्मेंस है, क्या उसका यूज है, कितनी उसकी इंपोर्टेंस है आपके स्मार्टफोन के लिए। सो मेरा नाम अतुल कौशिक, आपका बहुत बहुत स्वागत है चैनल टॉफी नॉलेज पे, योर डेस्टिनेशन फॉर फाइनेंशियल एंड टेक्निकल नॉलेज। बेसिकली जीपीयू इज ए ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट जो आपके फोन के लिए यूज किया जाता है ग्राफिक्स को होल्ड करने के लिए, ग्राफिक्स को शो करने के लिए, आपके 3D इमेज शो करने के लिए आपके फोन के लिए यूज किया जाता है। चाहे आप वीडियो देखो, चाहे आप मूवी देखो, चाहे आप इमेज आपके सामने शो हो, चाहे आप इमेज क्लिक करो, जो भी ग्राफिक आप अपने फोन में यूज करते हो, चाहे आप पावर VR यूज करो, वर्चुअल रियलिटी, वो सब का यूज प्रोसेसिंग जो भी यूनिट होती है वो है जीपीयू के हाथ में होती है, जीपीयू ही उसको प्रोसेस करता है। लेकिन फर्स्ट टाइम जो जीपीयू लॉन्च हुआ था मार्केट में वो 1999 में NVIDIA कंपनी ने लॉन्च किया था GeForce, और उसके बाद 2002 में नेक्स्ट जीपीयू लॉन्च हुआ था वो ATI टेक्नोलॉजी लॉन्च किया था 2002 में Radeon 9700। बट अब जीपीयू की जो टेक्नोलॉजी है बहुत एनहांस हो चुकी है, अब जीपीयू एक अलग लेवल पे कंपनियां यूज करने लगी हैं। बेसिकली जीपीयू डिपेंड करता है आपके 6 पैरामीटर पे आज के टाइम पे। एक आपकी कोरल स्पीड जो है वो है कि जितनी आपकी स्पीड कोरल स्पीड होगी आपके जीपीयू की, उतना ही जीपीयू की परफॉर्मेंस अच्छी होगी। बेसिकली कोरल स्पीड जो नापी जाती है वो है मेगाहर्ट्ज में, और जितना ज्यादा मेगाहर्ट्ज आपकी स्पीड की होगी उतनी ज्यादा आपकी जीपीयू की परफॉर्मेंस मैटर करेगी आपके फोन के लिए। उसके बाद जो होता है डायरेक्ट एक्स वर्जन, बेसिकली आज के टाइम पे बहुत ही ग्राफिकली यूज स्मार्टफोन में गेम आने लगे हैं, जैसे कि पोकेमोन गो या फिर आपका सबवे सर्फर, चाहे वो टेंपल रन हो, चाहे और भी गेम्स हो जो भी आप यूज करते हो, वो सब बहुत ही ज्यादा ग्राफिक्स यूज होते हैं। तो उसके रिगार्डिंग कंपनीज ने अपने जीपीयू में नई टेक्नोलॉजी यूज किया डायरेक्ट एक्स वर्जन, ताकि आपकी गेमिंग की जो ग्राफिक्स हैं, गेमिंग की जो परफॉर्मेंस है उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए और वो अच्छे से अच्छे आप अपने गेमिंग परफॉर्मेंस को यूज कर सको और उसका मजा उठा सको। उसी के लिए कंपनी ने डायरेक्ट एक्स वर्जन और जो आपका है ओपन जीएल वर्जन, वो दोनों उसमें यूज किए हैं। ओपन जीएल वर्जन जो यूज होता है गेमिंग के लिए, वो डेवलपर अपने गेम को जब उसको डिकोड करते हैं उसके लिए ओपन जीएल वर्जन यूज होता है, लेकिन जो डायरेक्ट एक्स वर्जन है वो उसकी ग्राफिकली इमेज को एनहांस करने के लिए डायरेक्ट एक्स वर्जन गेमिंग के लिए यूज किया जाता है। जो ओपन जीएल वर्जन है वो आप अपने जो भी ऐप यूज करते हो अपने फोन में, चाहे वो कोई भी ऐप हो, व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, व्हाटएवर, जैसे मैं अपना न्यूज ऐप यूज करता हूं वैसे ही आप भी कोई अपनी ऐप यूज करते हो, वो सब आपके फोन में रन करती हैं और उनके अंदर भी ग्राफिक्स का यूज होता है। तो उन सबको कोडिंग के लिए डेवलपर्स को कोड करना पड़ता है आपके जीपीयू, जो भी आपका जीपीयू, चाहे वो एडर्नो हो, चाहे वो माली हो, चाहे वो पावर वीआर हो, बेसिकली यही 3 जीपीयू है जो वाइडली रेंज पे आपके स्मार्टफोन में यूज किए जाते हैं। तो जो एडर्नो है वो आपका क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का है, और जो माली है वो अलग है, और जो आपका पावर वीआर है वो एप्पल आईफोन में यूज होता है। तो ये जो है 3 बेसिकली जो आपका जीपीयू है वो वाइडली रेंज में यूज होते हैं। तो इसी के साथ जो डेवलपर्स हैं उनको अपनी कोडिंग बिठानी पड़ती है, अपनी गेम हो चाहे उनकी एप्लीकेशन हो, तो उसके लिए एप्लीकेशन के लिए ओपन सीएल यूज किया जाता है। और लास्ट में जो होता है आपका फ्लोटिंग पॉइंट परफॉर्मेंस, तो बेसिकली जो आपकी जो परफॉर्मेंस जो बेस करती है वो फ्लोटिंग पॉइंट परफॉर्मेंस पे बेस करती है कि आपका प्रोसेसर कितना ज्यादा स्टैंडर्ड है, कितना ज्यादा फास्ट है, कितना ज्यादा वो ग्राफिक को होल्ड करके रख रखा है, 3D इमेज हो, चाहे वो वीडियो प्लेबैक हो, चाहे वो आपकी इमेज हो, चाहे वो इमेज स्टेबलाइजेशन हो, उस सबको किस तरह से मैनेज करता है, वो सब जो जिम्मेदारी होती है वो फ्लोटिंग पॉइंट परफॉर्मेंस पे होती है आपके जीपीयू की। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट सेमीकंडक्टर साइज, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी जीपीयू के बारे में, क्योंकि जितना ज्यादा आप अपना सेमीकंडक्टर साइज छोटा होगा आपके जीपीयू का, उतना ही ज्यादा जीपीयू की परफॉर्मेंस होगी, स्पीड होगी, वो मैटर करेगी। लेकिन अगर जैसे कि अभी सैमसंग S8 ने बोला था कि उसका जो प्रोसेसर उन्होंने यूज किया वो 10 नैनोमीटर का है, वर्ल्ड फास्टेस्ट प्रोसेसर उन्होंने क्लेम किया था अपनी वेबसाइट पे। सो बेसिकली 10 नैनोमीटर बहुत ही छोटा साइज है, उसी हिसाब से जीपीयू में भी सेमीकंडक्टर साइज होता है, वो बहुत ही छोटे से छोटा यूज किया जाता है जिससे कि अच्छे से अच्छी परफॉर्मेंस वो आपको दे सकें। तो इसी के साथ दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, और जो भी आपके कमेंट्स हैं उस कमेंट बॉक्स में जरूर डालें कि चाहे आपको अच्छी लगी हो, आपके क्या थॉट्स हैं, क्या वो हैं। और टॉप 10 ग्राफिक्स कार्ड के बारे में मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, आप वहां जाकर उसको चेक कर सकते हैं। अगर आपने मेरे सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम, अगर आपने अभी तक मुझे फॉलो और लाइक नहीं किया है मेरे पेज को, तो प्लीज जाके लाइक कीजिए। और इसी के साथ अपनी फाइनेंशियल एंड टेक्निकल नॉलेज टॉफी नॉलेज के साथ इंक्रीज करिए। वंदे मातरम, जय हिंद।